हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 में मौजूद हैं अयोध्या से आए हुए ऋषि सिंह। जी हाँ, वो ऋषि सिंह जो अपने सुरों का कमाल दिखा चुके हैं और अपने सुरों से लाखों दिलों को अपने ऑडिशन राउंड के बाद से ही जीत चुके हैं। वेल, ऐसे में हिमेश रेशमिया ने भी जमकर तारीफें करी थी। और आपको बता दें कि ऋषि सिंह की पॉपुलैरिटी सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के बीच में नहीं, बल्कि बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बीच में भी जा पहुंची है। वेल, ऐसे में ऋषि सिंह को ऑलरेडी बॉलीवुड का एक गाना मिल चुका है। जी हाँ, बहुत जल्द ऋषि अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाले हैं। वेल, कौन है ये एक्टर जिसके लिए ऋषि सिंह गाएंगे और आखिर कौन सा गाना गाएंगे, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 में मौजूद सुरों के सरताज ऋषि सिंह के सबसे ज्यादा फेवरेट जो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है आशुतोष ग्वारिकर। जी हाँ, और आशुतोष ग्वारिकर इंडस्ट्री के सबसे सफल डायरेक्टर में से एक है। उन्होंने लगान जैसी बड़ी ही सुपरहिट फिल्म दी। दोस्तों, ऐसे में ऋषि सिंह की ये फरमाइश पहुंच चुकी है आशुतोष ग्वारिकर के पास और ये फरमाइश सीधा नेहा कक्कड़ ने पहुंचाई थी। वह नेहा कक्कड़ शो में ये कह चुकी हैं कि उनकी आवाज, यानी कि ऋषि सिंह की आवाज, इतनी बेहतरीन और इतनी मॉडर्न क्लियर है कि अगर उन्हें अभी स्टूडियो में ले जाया जाए तो एक्टर्स के बीच में तो झड़प हो जाएगी कि आखिर ये किसके लिए गए। वह आपको बता दें, आशुतोष बहुत जल्द एक फिल्म बनाने वाले हैं और वो फिल्म बनेगी रणबीर कपूर के साथ। और उन्हीं के लिए एक सॉन्ग को गवाने के लिए और ये चेक करने के लिए कि रणबीर कपूर की वॉइस में ऋषि सिंह की वॉइस कैसी बैठती है, इसीलिए उन्हें बुलाया जा रहा है। और आने वाले कुछ महीनों में ऋषि सिंह अपना पहला बॉलीवुड सॉन्ग रिकॉर्ड कर लेंगे। वेल, आप किस तरह से करेंगे ऋषि को कॉन्ग्रेचुलेट, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।